बिहार की सरकार के रवैया के कारण केंद्र सरकार के द्वारा जो केंद्रीय विद्यालय यहाँ दिया गया 1.5 साल पहले, देश के तमाम राज्यों में उस समय जितने केंद्रीय विद्यालय सैंक्शन किए गए सब जगह खुल गए। अब बिहार का 2 केंद्रीय विद्यालय अभी तक नहीं खुल पाया। बिहार सरकार चाहती ही नहीं है कि स्कूल खुले, और फिर केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड और भी कई इशूज हैं। उन तमाम इशूज को लेकर हमने पहले भी कहा है कि हम तो लगातार आंदोलन चलाते रहे हैं शिक्षा सुधार को लेकर के। अभी 26 नवंबर से आमरण अनशन पर हम जा रहे हैं। इसी डिमांड के जो हमारा अभियान है, इस अभियान और बिहार सरकार से जो डिमांड है, इस डिमांड के समर्थन हम सब पॉलिटिकल पार्टी से सहयोग मांग रहे हैं। और उसी क्रम में मुकेश सहनी जी से हम आए हैं करने के लिए, आग्रह करने के लिए कि आपकी पार्टी का भी सहयोग इसमें मिले, यही आग्रह करने के लिए आए हैं हम। बाकी पार्टी, कल कांग्रेस पार्टी में भी हमारी बात हुई है, शक्ति सिंह गोयल जी से बात हुई, जो बिहार के अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा जी, उनसे भी बात हुई, और भी कई जगह बात आगे। अभी हम CPI ऑफिस में भी गए थे, यहाँ के बाद CPM ऑफिस भी जाएंगे, मांझी जी से मिलेंगे, RJD में भी हमारी बात होगी। तो सब जगह हम जा रहे हैं लोगों से सहयोग समर्थन मांगने के लिए। 25 सूत्रों की शिक्षा सुधार को लेकर आपकी डिमांड है, आपके सबसे जो अहम डिमांड है कि केंद्रीय विद्यालय सभी जिलों में खोला जाए। केंद्रीय विद्यालय खोला जाए सो हम नहीं करें। केंद्रीय विद्यालय बिहार सरकार कहाँ खोलती है, केंद्रीय विद्यालय तो भारत सरकार खोलती है। ये सभी जिलों में खोला जाए बिहार सरकार का विषय है ही नहीं। जो विद्यालय सेक्शन है भारत सरकार से, जमीन उपलब्ध, उसके लिए बिहार सरकार को कुछ औपचारिकता पूरी करनी है जो बिहार सरकार नहीं कर रही है, जिसके चलते सेंक्शन योजना भारत सरकार पैसा लेकर खड़ी है। और स्कूल जो सेंक्शन है यहाँ, उसमें तो एक स्कूल ऐसा है जिसमें जनता जमीन दे रही है, जमीन जनता की, पैसा भारत सरकार का, और बिहार सरकार के अवरोध के कारण स्कूल नहीं खुल रहा है। हमारा यह कहना है किस तरह का सहयोग रहेगा आपकी पार्टी का? निश्चित तौर पर प्रणव जी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें हम लोग का पार्टी का पूरा सहयोग रहेगा, मैं भी खुद भी वहाँ पे मौजूद रहूँगा। और शिक्षा को लेके बिहार के जो अहम मुद्दा है, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो मुद्दा पे खासकर प्रणव जी पहले से ही संघर्ष करते आ रहे हैं और बहुत सराहनीय है। और इसमें भरपूर हमारा क्या, पूरे बिहार के हर लोगों का इसमें सहयोग होगा। और निश्चित तौर पे बिहार में शिक्षा बहुत बुरी तरीके से गुजर रहा है। अभी हमको एक मुजफ्फरपुर में एक जीवच कॉलेज है, वहाँ के बारे में पता चला, जो 10,000 विद्यार्थी है और शिक्षक 5-6। अब इस तरीके से बिहार में शिक्षा का व्यवस्था है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर हम लोगों को रोड पे उतरने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है। और वो सब भी करके हमने थक गया। और हम लोग देखें कि आप पिछले यही महीने में 13 तारीख को हम लोग रोड पे उतरे, हर मांग, हर लड़ाई में, महागठबंधन के हर लड़ाई में, खास करके स्वास्थ्य और शिक्षा का हम लोग ध्यान रखते हैं। खास करके उपेंद्र जी पहले से ही शिक्षा पे जागरूक करते हैं लोगों को। और इस पे इस बार ऐसा नौबत आ गया कि आमरण अनशन पे बैठना पड़ रहा है, तो ये बिहार सरकार को सोचने की जरूरी है। और केंद्र सरकार की तरफ से जो योजना आता है उसको जमीन तक यहाँ तक नहीं पहुँचा रहे, तो हम लोग उस पर उतरेंगे। और अभी तो इस बार करो या मरो वाला स्थिति है, सरकार को कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा कि उस इसके लिए आने वाले समय में वो क्या सोचती है, बिहार के युवा के लिए, बिहार के गरीब के किसान मछुआरा के बेटा के लिए क्या सोचती है, उसका अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अभी बिहार सरकार और केंद्र सरकार को जवाब इस बार देना ही पड़ेगा। और मजबूती से VIP पार्टी और हम लोग पूरा मजबूती से ताकत के साथ उपेंद्र जी के साथ खड़े रहेंगे। एक सवाल है।